हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। तीन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो पूरी तरह से 8, 10 और 12 से डिवाइड हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। वहाँ पर बस फर्क इतना है कि वहाँ सबसे छोटा नंबर पूछा था और यहाँ पर आपसे सबसे बड़ा नंबर पूछा है। तरीका वही होगा करने का कि पहले हमें ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम से हमें वो सबसे छोटा नंबर पता चल जाएगा जो इन तीनों से पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों के टेबल में आने वाला पहला नंबर। तो पहले तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं, 8, 10 और 12 का। 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। 4 और 6 मुझे 2 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं तो ये 2 आ गया और ये 5 एज इट इज ही रहेगा, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 की जगह यहाँ 2 वन ज़ा 2 हो गया, 5 एज इट इज रहेगा और 3 भी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे 5 और 3 है, इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 देखता हूँ अगला, 2 के बाद 3 आता है प्राइम नंबर, ये 3 से डिवाइड होगा। 1 हो चुका है ऑलरेडी, 5 होता नहीं है 3 से डिवाइड, 3 वन ज़ा 3 ये 1 हो गया। अभी सिर्फ 5 बचा है, ये दोनों तो 1 बन चुके हैं, 5 5 से ही डिवाइड होता है, 1 ऑलरेडी है, 5 वन ज़ा 5 हो गया और ये 1 ऑलरेडी है, सारे 1 हो गए, ये काम हमारा ख़त्म हो गया। ये जो साइड में आए हैं प्राइम फैक्टर्स, इनको प्रोडक्ट करते ही एलसीएम पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो एलसीएम है ये आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120। इट मीन्स 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है, वो पहला नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है। अब हमें निकालना है तीन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। ये जो नंबर है ये तीन डिजिट का तो है, लेकिन ये सबसे बड़ा तो नहीं है। सबसे बड़ा तीन डिजिट का नंबर होता है 999। अब हमारा जो आंसर होगा या तो वो 999 हो सकता है या फिर इससे छोटा होगा, ये पक्की बात है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर मैंने एक भी जोड़ दिया ना तो फिर ये 1000 हो जाएगा और इसमें 4 डिजिट आ जाएंगी। तो नंबर ये हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। अब 120 पहला नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड पूरा हो जाता है। अगला जो नंबर होगा वो 120 का 2 टाइम्स होगा, यानी इसका मल्टीपल होगा। जैसे 120 इंटू 1000 हो गया 120, ये 120 इन तीनों से पूरा डिवाइड होता है। अगला जो नंबर होगा जो इन तीनों से पूरा डिवाइड होगा वो होगा 122,240। इससे जो अगला नंबर होगा वो होगा 123,360। इससे जो अगला नंबर होगा 124,480। मैं करता हुआ जा रहा हूँ और जहाँ पे मेरा तीन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आएगा वहाँ पे मैं रुक जाऊँगा और आगे बढ़ाता हूँ। 120 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 600 आ जाएगा। अभी भी तीन डिजिट का चल रहा है, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 और ये 0 आ जाएगा। 120 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 × 7 = 84, 840 आ गया। 120 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 × 8 = 96 और ये 0 आ गया। यहाँ तक कर दिया मैंने, इसके आगे और ट्राई करता हूँ। 120 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 × 9 = 108 और ये 0 आ गया। अब यहाँ आके आप देखिए, देखिए यहाँ पे 4 डिजिट चल गए हैं। 120 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 डिजिट चल गए हैं। तो इससे जो जस्ट पहला नंबर है ना, ये तीन डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ये 960 हमारा आंसर है। तो आंसर होगा इसके अंदर 960। अब ये मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया समझाने के लिए। इसी चीज़ को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे करोगे वो देखिए। डिवाइड करके थ्री डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए अंदर, 999। हमें पता चल गया है 120 एलसीएम है, 120 से इसे डिवाइड करते हैं। अब 120 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आप यहीं पे पहुंचोगे, 128 × 960। इट मींस ये चीज़ तो आपकी यहाँ भी यूज़ होगी, कॉन्सेप्ट वही है।
अब इसे माइनस करेंगे तो 9 आ गया, 9 में से 6 माइनस करा तो 3 आया, 9 में से कुछ नहीं करा तो 3, ये 0 ही आ गया, 39। इट मीन्स 128,960 हो गया। 129,000 करूँगा तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा हम ले नहीं सकते तो हमें 960 ही लेना है। अब 999 के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, ये जो 39 रिमाइंडर आया है ये एक्स्ट्रा है, इट मीन्स इसे हमें हटाना पड़ेगा अपने तीन डिजिट के सबसे बड़े नंबर में से। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि थ्री डिजिट का नंबर है सबसे बड़ा 999, उसमें से ये एक्स्ट्रा हम माइनस कर देंगे जो एलसीएम से डिवाइड करके आया है, और फिर आंसर आ जाएगा 960। तो इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, बात एक ही है, ये जो चीज़ मैंने करी है वही यहाँ पे भी यूज़ होती है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।